माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। तो सप्तऋषियों ने महादेव के कई सारे अवगुण पार्वती जी को सुना दिए, लेकिन माता पार्वती तो सिर्फ महादेव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए सप्तऋषियों का उन्होंने आदर सत्कार किया और सप्तऋषि वहां से चले गए। तो महादेव उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही माँ पार्वती आशीर्वाद लेके वहां से निकली, तो भगवान शिव माता पार्वती की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते थे। वो नदी के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ एक बच्चे को निगलने वाला है। उस बच्चे ने माता पार्वती से प्रार्थना करी कि माता, इस दुनिया में मेरा न कोई माँ है न कोई बाप है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे इस मगरमच्छ के चंगुल से बचा लीजिए। तो माता पार्वती को भी उस बच्चे की ये पीड़ा सहन नहीं हुई। उस मगरमच्छ ने कहा कि माता, ये तो मेरा भोजन है, मैं अपने भोजन को कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन माता ने बार बार आग्रह किया कि कृपया तुम उसे छोड़ दो, जो तुम चाहते हो मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा कि एक बार फिर से सोच लीजिए माता। तो पार्वती माता से उस बच्चे की पीड़ा देख ही नहीं ली, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सोच लिया, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो मगरमच्छ ने कहा कि क्या आप मुझे भगवान शिव के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दे सकती हैं? क्या आपके तप का फल आप मुझे दे सकती हैं? तो माता पार्वती ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए उस मगरमच्छ से कहा कि मैं तुम्हें अपने तप का फल देने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके तुम इस बच्चे को छोड़ दीजिए। तो मगरमच्छ ने कहा कि माता, एक बार और सोच लीजिए, इतना कठोर तप करके आपने ये फल प्राप्त किया है, क्या आप इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की जान बचाने के लिए वो फल मुझे देने के लिए तैयार हैं? तो माता पार्वती ने कहा कि मैं ये फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। माता ने उन्हें उनके तप का फल जैसे ही उस मगरमच्छ को दिया, वो बहुत ही तेजी से प्रकाशित होने लगा, वो बच्चा और वो मगरमच्छ वहां से गायब हो गए। और माता पार्वती वैसा ही कठोर तप करने के लिए वापस से जंगल की तरफ चली गई। भगवान शिव दोबारा प्रकट हुए, तो भगवान शिव ने कहा कि तुम दोबारा क्यों इतनी कड़ी तपस्या कर रही हो? तुम्हारी तपस्या का फल तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि वो तपस्या का फल मैं किसी और को दे चुकी हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दोबारा से कठोर तपस्या करूंगी और आपसे दोबारा वो फल प्राप्त करूंगी। तो भगवान शिव उनकी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वो उनकी परीक्षा में पास हो गई थी, तो भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वो उनकी एक छोटी सी परीक्षा थी। माता पार्वती का ये रूप देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती के लिए उनके तप का फल उतना जरूरी नहीं था, लेकिन एक बच्चे की जान बहुत जरूरी थी। ये एक छोटा सा किस्सा जो मैंने आप सबके समक्ष रखा। तो गाइस, आप मुझे जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।